सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धारणा का विषय चल रहा है और धारणा का तात्पर्य यही है कि मन को अर्थात चित्त को किसी एक स्थान विशेष में बांध देना, स्थिर कर देना, उसको इधर उधर भटकने ना देना। ये धारणा जब सिद्ध होती है तो आगे का क्रम बढ़ता है और पीछे जो बहिरंग साधन कहें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि, वो जब वो क्रमशः प्रतिष्ठित होते हैं, हमारे स्वभाव में वो आ जाते हैं, तो फिर धारणा स्वयं में वो घटित होती है। जब तक ये स्वयं घटित नहीं होते हैं तब तक धारणा भी हमारी नहीं सिद्ध होती है। इसलिए पिछली कक्षाओं में हमने थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में की थी, आज पुनः इसको और समझने का प्रयास करते हैं कि धारणा क्या है, धारणा से हमारे जीवन में क्या घटित होता है और धारणा का स्वरूप क्या है। बहुत ही अच्छा यह एक श्लोक आया, इसको आप लिखेंगे कि धारणा क्या है। यमादि गुणयुक्तस्य मनसा स्थिरात्मनि धारणेत्युच्यते सद्भिः योगशास्त्राविशारदैः। यमादि गुणयुक्तस्य मनसा स्थितिरात्मनि धारणेत्युच्यते सद्भिः योगशास्त्राविशारदैः। धारणा क्या है इसके विषय में कहा कि यम, नियम आदि गुणों से युक्त, यम आदि गुणयुक्तस्य, जो अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा शौच, संतोष, तप, ईश्वर परिधान आदि, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आदि, ये जो यम और नियम हैं, इनके पालन से अथवा इनसे जो व्यक्ति युक्त है, यम, नियम आदि गुणों से जो युक्त है, ऐसे युक्त साधक के मन की जो आत्मा में स्थित है, वही योग शास्त्रवित सत्पुरुषों के द्वारा धारणा कही जाती है। कहने का आशय क्या है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि से जो हमारी आंतरिक स्थिति होती है, वही योग शास्त्रविद सत्पुरुषों के द्वारा धारणा कही जाती है। जब हम यम नियमों का पालन करते हैं तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, शुचिता का आधान होता है, प्राणायाम से मन जो है स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है और इंद्रियां भी प्रत्याहार से मन के साथ जुड़ जाती हैं। और ये सारे पांचों अंगों का जो परिणाम है, जो फल है, जो सिद्धि है, वही हमको धारणा के रूप में प्राप्त होता है, धारणा की वही प्राप्ति है। और इसी को योग में जो है, वही जो शास्त्रविद हैं, जो शास्त्रों को जानते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। और योग सार संग्रह में एक श्लोक आया,
हृत पुंडरी के नाभ्याम वा मूर्धनी पर्वत मस्तके एवं आदि प्रदेशेषु धारणा चित्त बंधनम। जैसा महर्षि ने भी कहा है कि जो हृदय में, नाभि में अथवा मस्तक में, आज्ञा चक्र में अथवा पर्वत पर चित्त को बांधना धारणा कहलाता है, उसको स्थान विशेष में, देश विशेष में बांध देना, किसी भी शुभ संकल्पों से युक्त कर देना, उसको वही उस बिंदु पर टिका देना, उस पर जैसे खूंटा में कोई जो है पशु बांध दिया तो वो उससे की इर्द गिर्द रहता है, उससे दूर नहीं जाता है। ऐसे ही हम जब चित्त को किसी देश विशेष में, किसी स्थान विशेष में जब टिका देते हैं, उसमें बांध देते हैं, वही वो जो है रहे, उससे कहीं दूसरे स्थान में जो है अपनी गति न बनाए, कहीं दूसरे स्थान को न जाए, वही धारणा कहलाता है। चित्त को एक स्थान में बांध देना क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। अनेक संसार में लोग हैं जो देखते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उसका आचरण नहीं कर पाते। कोई इसको जो है ऐसे रूप में लेता है कि आलंबन चाहिए, मन को टिकाने के लिए क्या चाहिए? आलंबन। और बिना आलंबन के मन टिकता नहीं है, तो हम उसको ऐसे स्थान में टिका दें कि उसको विषय चाहिए, कि यहाँ पर एक विषय या एक स्थान है, उस पर हम अपने मन को जब बांध दें कि भाई यहाँ पर रहना है, तो वो फिर धारणा कहलाता है। ये संसार में यदि कोई विरला मनुष्य सिद्ध कर ले, या जो सिद्ध करते हैं धारणा को, वही जीवन में कुछ बड़ा कार्य कर पाते हैं। क्योंकि आज जिसकी भी समस्या देखो यही है कि क्या करें, मन ही नहीं टिकता है, ध्यान में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि धारणा जब तक हमारी ठीक नहीं होगी तब तक मन तो लगेगा ही नहीं। इसलिए धारणा की जो स्थिति है उसके लिए हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। बिना प्रयास के तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक कदम आगे रखते हैं तो प्रयास पूर्वक रखते हैं, प्रयास के ही कारण सारे कार्य सिद्ध होते हैं। प्रयास से ही हमारा ये शरीर चलता है, प्रयास से हम भोजन करते हैं, मुंह खोलते हैं। हाँ, कुछ चीजें परमात्मा ने ऐसी बना रखी है कि व्यक्ति आलस से प्रमाद ना करे। यदि हो सकता है आलस, यदि उसको सारी स्वतंत्रता दे दी जाए और सारा शारीरिक मानसिक जो आवागमनहीन में प्राणों का या रक्त संचार का आवागमन है, रक्त संचार हो रहा है, मनुष्य के यदि कर्तव्य में या उसके द्वारा ये ड्यूटी की नहीं इसको करना है, तो हो सकता है कितने लोगों का जो है प्राण ही निकल जाए। श्वासों का लेना है, आंखों का पलक जो है झपकना है, पुतलियों का चलना है, हृदय की गति है, या जो भी नस नाड़ियों में रक्त प्रवाहित हो रहा है, ऑक्सीजन जो प्रवाहित हो रही है, वो हमारे प्रयास से नहीं हो रहा है। कि कर रहे हैं इसीलिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। जो चीजें हमको प्रयास से मिलनी है वो बिना प्रयास के नहीं मिलेंगी, और जिसके लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना उसकी कभी चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि उस परमात्मा ने पहले से पहले सारी व्यवस्थाओं को कर रखा है, उसने पहले सारी व्यवस्थाओं को दे दिया है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है कि नहीं मुझको अब श्वास लेना है, अब मैं श्वास ले रहा हूं, अब बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो लोग रात में सोए और सुबह वो उठे ही नहीं। यदि हम अपने इसको जीवन में हम यदि करें इसको, तो कितने लोग कर सकते हैं? उनको प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, कर नहीं सकते इसको। लेकिन कम से कम अष्टांग योग जो कर सकते हैं उसको तो करना ही चाहिए। अष्टांग योग का जब तक जीवन में हम आधार नहीं करेंगे त
तब तक इस जीवन को महान नहीं बना सकते हैं। इसके लिए एक एक हमको पल पल जीना पड़ता है, पल पल हमको संकल्प करना पड़ता है। यदि हम ऐसा संकल्प कर पाते हैं, जी पाते हैं, तब तो बहुत कुछ मिलेगा हमको, बहुत कुछ जीवन में प्राप्ति होगी। और यदि नहीं करते हैं तो कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जीवन में ये भी बात कहते हैं कि जितना जो है प्राप्त है उतना पर्याप्त है। पुरुषार्थ तो करते जाएं, लेकिन संकल्प के साथ। एक बार संकल्प कर लिया कि नहीं इस जीवन को जीना है, तो कुछ भी हो जाए योगी का जीवन कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। एक बार जो संकल्प कर लिया, एक बार जो बात बोल दी, एक बार निर्णय कर लिया, तो उस निर्णय से कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए। भर्तृहरि लिखते हैं, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वन्ही, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां, भाषितं सज्जनानां। जो सज्जनों का संकल्प है, जो साधु जनों का व्रत है, उस व्रत में कभी भी विकल्प ना आए, संकल्प विकल्प ना आए, उस व्रत को कभी भी हम तोड़े नहीं। तो एक व्रत लें कि मुझको अपने जीवन में, या आज का जो दिन है वो एक जीवन के समान है, आज मैं पूरे दिन अष्टांग योग का पालन करूंगा। पूरा दिन भी यदि भारी लग रहा है तो एक घंटे कम से कम, एक घंटे ये संकल्प हम करें। अणुव्रत कहते हैं इनको, अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत लेकर के, कि नहीं मुझको एक घंटे पूरे अष्टांग योग का पालन करना है, यम का पालन करना है, नियम का पालन करना है। सारे जो अंग हैं वो अंग फिर हमको इतने उमंग से भर देंगे, हमारा अंग अंग ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा। इसलिए ये बात जो कही है, उदयत यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, यदि सूर्य कदाचित पूर्व की दिशा से न उग करके पश्चिम से उदय होने लगे, तो भी ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए, ऐसी घटना हो सकती है, पूर्व से उदय न होकर के कभी सूर्य पश्चिम से उगने लगे। उदयत यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलित यदि मेरु, हो सकता है कभी पर्वत, बड़े बड़े हिमालय चलने लगे, जैसे कोई वाहन चलते हैं या बादल जैसे चलते हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन कवि की कल्पना है कि यदि पर्वत भी चलने लगे, चलायमान हो जाए, गति करने लगे, शीतताम याति वहनी, अग्नि में सदा मतलब उष्णता होती है, अग्नि इसीलिए है, लेकिन हो सकता है उसमें शीतता आ जाए, शीतलता का आभास करे, अग्नि ठंडी पड़ जाए, बर्फ बन जाए, ऐसा उल्टा काम हो सकता है, हो जाए तो भी। विकसत यदि पद्मम, यदि पर्वत की जो है ऊंचाई में, उसकी चोटी में कमल खिलने लगे, ऐसा होता नहीं है कि पहाड़ की चोटी पर कमल खिले, कमल तो कीचड़ में खिलता है, तालाब में खिलता है, लेकिन यदि कोई, हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि पर्वत की चोटी में। विकसत यदि पद्मम पर्वत आग्रे शिलायाम, पत्थर की शिला में कमल जो है खिल जाए, न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम, ये सारे विपरीत काम जो असंभव हैं, कभी हो ही नहीं सकते, और यदि कदाचित हो भी जाएं तो भी जो सज्जन हैं, जो विद्वान हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, जिनके जीवन में संकल्प है, वो कभी विकल्प में नहीं जाएं। न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम, एक बार जो कह दिया, एक बार जो संकल्प ले लिया,
उसका पूरे जीवन पालन करना, ऐसा जो है दो मुही बातें नहीं करना। लोग बोलते हैं दोगली बात मत करो, ये तो बड़ा दोगला है। दोगला का तात्पर्य क्या है? दो गला, जिसके दो गला है, गले से आवाज निकलती है, कंठ से, दो कंठ वाला है, दो गले है ना, तो दोहरी बात करना ये कभी नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का आशय ये है कि जिस ज्ञान को हम सुनते हैं, जिसको पढ़ते हैं, जिसका संकेत किया जाता है, यदि हमारे वो जीवन में उतर जाए, हम उसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, और तो भी यदि उसके प्रति श्रद्धा भावना हो, उसके प्रति आचरण का भावना हो, तो वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। सिद्धि कब होगी? जब आप उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ से ही सब कुछ सिद्ध हो सकता है, अथवा कुछ यहां मिल नहीं सकता है, क्योंकि ये सारा संसार तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन जो अपरिवर्तनीय है, जो हमारे लिए अटल है, अचल है, उसकी आज्ञा में रहना। और उसकी आज्ञा क्या है? जो ऋषियों ने अपने जीवन में जिया है वही उसकी आज्ञा है। ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। तो ऐसे मार्ग में चलना, ऐसे सतपथ पर चलना, सुपथ पर चलना, कुपथ कुपंथ कुमार्ग से जो है हम कभी भी ना जाएं, कभी भी उसका आलंबन ना लें। तो मन को, चित्त को शुभ का आलंबन दें, या एक स्थान विशेष में इसको बांध दें जिसमें हमारी धारणा अच्छी हो, हमारा मन एकाग्र हो जाए, मन में जो उछल कूद है वो समाप्त हो जाए। जब उसकी समाप्ति होगी तभी भगवत प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी। इससे विपरीत आचरण करने में तो कभी कदाचित हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत ही उन्नत हो। कह रहे हैं कि एकांत स्थान में कुछ लोग जाकर के ध्यान लगाते हैं, बहते हुए कलकल कलकल धारा में, पानी की धारा में कुछ ध्यान लगाते हैं, मन को वहां टिकाते हैं, कोई त्राटक करते हैं, रात्रि में चंद्रमा को देखते हैं, या सामने दीपक जला करके देखते हैं, ये सब क्या है, या कोई एक मूर्ति को देखते हैं तो उसी में अपने मन को टिकाते हैं, उसमें अपनी धारणा बनाते हैं। लेकिन वो एक आलंबन है, आलंबन हमारा जितना अच्छा होगा, जितना शुभ होगा, उतना ही हम, उतनी शीघ्रता से हम ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, और ध्यान से फिर समाधि की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए सदा इसका ध्यान रखना। संसार में कितना लोग अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति कभी होती नहीं है। सुख तो केवल ईश्वर की भक्ति में, उसके ज्ञान में है, उसके द्वारा यदि हम महान बन पाते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। किसी कवि ने कहा कि जब उस परमात्मा का ध्यान नहीं करते तो कैसे जो है जीवन अच्छा हो सकता है। एकांत में बैठ करके अष्टांग योग का जो है पालन नहीं किया, धारणा नहीं लगाई, ध्यान नहीं लगाया, समाधि नहीं लगाई, तो क्या लाभ मिलेगा। इसलिए कहते हैं, तूने ओम नाम नहीं गाया रे, कहीं बैठ दूर जंगल में। तूने ओम नाम नहीं गाया रे, कहीं बैठ दूर जंगल में। माया की ममता का मारा, फिरता फिरता जग में हारा। माया की ममता का मारा, फिरता फिरता जग में हारा। सब वृथा जन्म गवायो रे, तैने खोए दिवस हलचल में। ये हलचल में ऐसी जो है मचलन होती, मन विचलता रहता है, ये हलचल ही चल रही संसार में, हलचल से बचना है, दलदल में नहीं फंसना है। कहा, सोचा जीवन बहुत घनेरा,
अभिभजन का काम न मेरा। जीवन बहुत बड़ा है, जब मनाएगा करेंगे, अभी जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी जीना है बरसों। इसलिए कहा, सोचा जीवन बहुत घनेरा, अभिभजन करना ना मेरा। यह अंत समय यो आया रे, गया बीत समय पल पल में। तूने ओम नाम नहीं गाया रे, कहीं बैठ दूर जंगल में। सारा भेद भूमिका पाया, नव मंडल के चक्कर खाया। सारा भेद भूमिका पाया, नव मंडल में चक्कर खाया। पर सुख नहीं कुछ पायो रे, कहीं दूर खोज बहुत जल थल में। तूने ओम नाम नहीं गाया रे, कहीं बैठ दूर जंगल में। कोई खुशी का अवसर आया, इष्ट मित्र परिवार बुलाया। छोटी छोटी खुशी में इतना व्यक्ति लोग जो है अपने आप को चंचलता से परिपूर्ण कर लेते हैं और मनमाना काम करते हैं, जो उचित है अनुचित है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। कोई खुशी का अवसर आया, इष्ट मित्र परिवार बुलाया। मनमाना द्रव्य लुटाया रे, नट भाट नचा मंगल में। ऐसे लोग नाच कूद करते हो, देख करके बहुत जो है व्यक्ति जो सज्जन है, जो अपने जीवन में सात्विकता आध्यात्मिकता को रखते हैं, वो देख नहीं सकते। इतना जो है खुशी, इतना जो है क्षणिक सुखों के चक्कर में लोग इतने अपने आप को दलदल में फंसा देते हैं। और अलग अलग लोग नाच गाने जो फुहड़ता के जो है प्रतीक बने हुए हैं, ऐसे प्रतीकों से, ऐसे जो है कर्मों से हमको बचना चाहिए जो हमारे लिए और इस समाज के लिए कल्याणकारी ना हो। धर्मी धर्म कर्म ना जाना, निश दिन पाप किया मन माना। धर्मी धर्म कर्म ना जाना, निश दिन पाप किया मन माना। नहीं फूला अंग समायो रे, इस दुनिया की दल दल में। तूने ओम नाम नहीं गाया रे, कहीं बैठ दूर जंगल में। संसार में हम सारे व्यवहारों को करें, आए ही है करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमारा नाम लिया करें। ऐसे जीवन को जीने से क्या लाभ जिससे लोग हमको गालियां ही दिया करें। ऐसे उन्नत बनना कि संसार में युग युगांतरों तक लोग नाम लेते रहे। और वो कब होगा? जब हम सात्विकता से परिपूर्ण होंगे, जब हमारी धारणा अच्छी होगी, हमारा जो है अष्टांग योग सिद्ध होगा। ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति में जीने के लिए हमको योग में गति करनी पड़ेगी, योग में प्रगति करनी पड़ेगी। तभी यह संसार का जो चमत्कार है, जो आविष्कार है, उससे हम बच करके अपने परिष्कार पर ध्यान देंगे। नए नए लोग आविष्कार करते हैं, नए नए चमत्कार करते हैं, और क्या है, लोग फिर उसी में फंस जाते हैं, अपने परिष्कार को भूल जाते हैं, अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को भूल जाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं संसार में, कैसे आए, किस लिए आए, इन चीजों का, इन बातों का जब पूरा ध्यान देंगे तो उसके लिए हम पुरुषार्थ भी करेंगे, और पुरुषार्थ करेंगे तो हमको सफलता भी मिलेगी। इस दृष्टि से ये जो योग का मार्ग है, ये जो अष्टांग योग हम पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से इसी से हमारा जीवन कल्याण को प्राप्त होगा। इसमें सभी जीव चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारा कभी भी अहित ना हो, सदा सर्वदा सर्वत्र लोग हमारा हित ही चाहें। लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपने स्वभाव को ठीक करना है। हमारा स्वभाव कब ठीक होगा, जब हम अष्टांग योग का पालन करेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारा परिवार ठीक हो, हमारा समाज ठीक हो,
हमारा राष्ट्र ठीक हो। आज जो चारों ओर भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, दुराचार है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में यही है कि लोग जानना नहीं चाहते हैं कि अष्टांग योग क्या है। ये तो वो समझते हैं कि ये तो पुराने जमाने की चीज है, इससे क्या लेना देना अपने को। जबकि जीवन में और इस जग में शुभ का आधान करने का एक यही समाधान है, एक यही साधन है कि अष्टांग योग को हम अपने जीवन में उतारें। तो इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।